बहुत अच्छी लाइंस के साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा आज का डिस्कशन, आज का हमारा लेक्चर, आज की हमारी क्लास। तो लाइंस जो आपके सामने लिखी हैं वो है, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस नॉट फॉर परफेक्शन। इफ़ यू आर वरीड अबाउट योर, अगर आप परफेक्शन के ऊपर फोकस करते हैं तो आप हर स्टेप पे वरीड रहते हैं। तो कुछ नहीं करना है, हर रोज़ अपना काम करते जाइए, आगे आगे बढ़ते जाइए, ऑनेस्टी से अपने जो एफर्ट्स है अपने काम के अंदर डालते जाइए, तो एक दिन परफेक्शन अपने आप ही आ जाएगी। आपको परफेक्शन के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक अगर हम कर रहे हैं अपने काम में, उसका मतलब ये नहीं है कि वी आर द फेलियर। इट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग, दैट्स वाई वी आर डूइंग मिस्टेक्स, एंड मिस्टेक्स करते करते ही हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे, सीखते जाएंगे, और धीरे धीरे एक दिन हमारे काम में परफेक्शन आ ही जाता है। ठीक है, तो ये है हमारी कुछ लाइंस जो आपकी पूरी जो आपका जो गोल है उसके अंदर हेल्प करेंगे। आपका जो भी गोल है, आप प्रिपेयर कर रहे हैं 11th के लिए, आप प्रिपेयर करेंगे बोर्ड के 12th के लिए, आप प्रिपेयर करेंगे नीट के लिए, उसके लिए आपको बस एक ही काम करना है, डेली आपको अपने ऑनेस्ट एफर्ट्स आपके गोल की तरफ डालने पड़ेंगे। और एक दिन एफर्ट्स डालते, याद रखना मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ ऑनेस्ट एफर्ट डालते, एक दिन आपके काम में परफेक्शन आ जाएगी, और जिसकी वजह से आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो अपनी गलतियों से नहीं घबराना है, ये प्रूफ है, गलतियाँ प्रूफ है कि आप ट्राई कर रहे हैं और बढ़ रहे हैं धीरे धीरे अपने गोल की तरफ। तो इन्हीं कुछ लाइनों के साथ चलिए देखते हैं, सबसे पहले हमें ईजिली के साथ कैसे जुड़ना है। ठीक है, YouTube पे आप हमें देख पा रहे हैं अगर, तो बिना किसी इंटरप्शन के और एक बहुत अच्छी यू कैन से कि क्वालिटी के साथ, कैसे भी कह लीजिए, आप हमारे ईजिली ऐप पे इन सब क्लासेस का बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट फ़ायदा उठा सकते हैं। करना क्या होगा आपको, गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, ईजिली ऐप को डाउनलोड करेंगे, आपको अपना फ़ोन नंबर फिल करना पड़ेगा, और वहाँ से आपके लिए आएगा क्रिएट न्यू अकाउंट, और यहाँ पर आप क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे, राइट। उसके बाद देखिए फिर आपको क्या करना है, आपका नेम, आपकी ईमेल आईडी, आपका जेंडर एंड योर लोकेशन, एवरीथिंग फिल करने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद, जब आप फाइनल क्लिक करेंगे तो आपके पूछा जाएगा ओटीपी के लिए। ठीक है, तो ओटीपी आपके नंबर पर आ जाएगा, उसको आप वेरीफाई कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो आपके सामने आपका जो भी गोल है ना, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे, सीईटी के लिए यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, और नीट के लिए जो कि हमारा फिलहाल हमारा यही गोल है 11th क्लास और नीट, तो आप नीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट। उसके बाद आप जाएंगे 11th क्लास, क्योंकि ये हमारा है प्रारंभ बैच, राइट। तो 11th क्लास के यहाँ पे बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से कोर्सेज के साथ बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दैट विल ओपन, और अमाउंट इसका दिया हुआ है 8,999। बट खुशी की बात ये है, जैसे ही आप एड टू कार्ट के अंदर कूपन कोड यूज करेंगे, क्या है कूपन कोड, दैट इज फ्री इजिली, फ्री FR TTTIME आपको लिखना है ई, राइट। तो दैट मीन्स फ्री इजिली, जैसे आप ये कूपन कोड फिल कर देंगे, ये पूरा का पूरा अमाउंट आपका एकदम क्या हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा, राइट। ठीक है, चलो, और उसके बाद आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से आपको देखनी है हमारी क्लासेस, और आई एम श्योर ये क्लासेस आपको बहुत बहुत हेल्प करेंगी आपकी प्रेपरेशन में 11th 12th नीट के लिए, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा, हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था, हमने वर्टिब्रेटा को स्टार्ट किया, पाइसिस को हमने ख़त्म कर दिया था, और आज हम करने वाले हैं एक नेक्स्ट फाइलम दैट इज एम्फीबिया, और उसी के साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट रेप्टिलिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारी डिस्कशन की तरफ, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमारी जो सब फाइलम दैट इज वर्टिब्रेटा के अंदर क्लास एम्फीबिया, और हम बात करेंगे क्लास रेप्टिलिया की। ठीक है,
एम्फीबियंस हमें पता है, दीज आर दोज ऑर्गेनिज्म, वो वाले एनिमल हैं जो एक्वेटिक एज वेल एज लैंड के ऊपर रह सकते हैं। तो यहाँ से आप एक आइडिया ले सकते हैं कि धीरे धीरे पाइसिस तक बेटा फुली जो लाइफ थी दैट वॉज इन एक्वेटिक मीडियम, है ना, वाटर के अंदर थी। तो अब एक्वेटिक एटमोसफियर से लाइफ जो है शिफ्ट होने वाली है कहाँ पर, लैंड पर। तो एकदम से तो नहीं आ जाएंगे लैंड के ऊपर, राइट। तो एम्फीबियंस ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जो वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, बट इनको डिपेंडेंट होना पड़ता है फॉर फर्टिलाइजेशन, कहाँ पर, जो रिप्रोडक्शन है, फर्टिलाइजेशन है, दैट विल अकर इन वाटर। जैसे कि हमने डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स को, याद करो प्लांट किंगडम हमने वर्ड यूज किया था, दीज आर द ब्रायोफाइट्स आर द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो हमने वहां पे डिस्कस किया था जैसे कि एम्फीबियंस दोनों जगह पे रह सकते हैं, लैंड पे और एज वेल एज वाटर में, वैसे ही ब्रायोफाइट्स रह सकते हैं। तो आज हम एम्फीबियंस को फिर हम कंपेयर कर लेते हैं ब्रायोफाइट्स के साथ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं हमारी क्लास कौन सी, एम्फीबिया। बेटा वर्ड्स को समझो, वर्ड को समझो, एम्फी मीन्स बोथ, एम्फी मीन्स बोथ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म, एम्फी का मतलब हो जाता है बोथ, ठीक है, एम्फी मीन्स बोथ, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लिव कर सकते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स में, ठीक है। एज द नेम इंडिकेट्स एम्फी मतलब ड्यूअल, बायोस मीन्स लाइफ, तो ड्यूअल लाइफ, ड्यूअल लाइफ मतलब दो तरह के हैबिटेट्स। और हमें पता है हैबिटेट या तो लैंड में होगा या वाटर में होगा। तो ये वो ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि इसको आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, मेंढक, ठीक है, मेंढक, फ्रॉग, सबने कभी ना कभी जरूर देखा होगा, बारिश के दिनों में टर 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 उनकी सुनी जाती है आपको। और ये क्या है, एग्जांपल्स हैं एम्फीबिया के। और आप देख पा रहे हैं कि इन ऑर्गेनिज्म के पास, देखो एम्फीबिया के पास, इसके पास टेल है, ठीक है, तो वी कैन से दीज आर टेल्ड एम्फीबियन, जैसे कि सैलामेंडर, टेल्ड एम्फीबियंस। And what is this? This is frog. Frog is tailless. Tailless amphibian. ठीक है? This is tailless amphibian. ठीक है? तो that is frog, मतलब या इसको हम राना भी बोल देते हैं, right? चलो ओके आगे बढ़ेंगे, देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। देखो मोस्ट ऑफ देम इनके पास क्या होंगे, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स होंगे, इनके पास टू पेयर ऑफ लिम्ब्स होंगे, दीज आर पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स, टू पेयर ऑफ लिम्ब्स पेंटाडेक्टाइलस, पांच ये इनके डेक्टाइल्स वाले पेंटाडेक्टाइलस, ठीक है, पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स। बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक, हेड एंड ट्रंक के अंदर इनकी बॉडी आप देख पा रहे हैं, जैसे कि फ्रॉग की मैं बात करूं, दिस पोर्शन इज द हेड पोर्शन और ये इसकी पूरी ट्रंक है, कहीं भी आपको यहाँ पे नेक नजर नहीं आ रही है, राइट। तो बॉडी इज डिविजिबल इंटू हेड एंड ट्रंक, दिस इज स्पोर्टेड सैलामेंडर, इसके बॉडी के ऊपर कुछ कुछ आपको स्पोर्ट्स दिख रहे हैं, राइट। और अगर आप म्यूकस वाली ये जो लेयर देख रहे हैं ना, ट्रंक के ऊपर जो स्किन है, देखो मेंढक की जो स्किन होती है दैट इज मॉइस्ट, म्यूकस वाली लेयर होती है, राइट। तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम, ठीक है, जैसे कि हमने बात किया सैलामेंडर के पास क्या है बेटा, टेल है, तो ये कौन सा एम्फीबियन हो गया, दिस इज टेल्ड एम्फीबियन, तो कुछ एक के पास हमें टेल्ड भी मिलेगी। स्किन कैसी होती है, मॉइस्ट, जिसके ऊपर स्केल्स नहीं है, जिसके ऊपर स्केल्स नहीं है। अब देखो फायदा क्या है बेटा मॉइस्ट स्किन का, कोई भी सरफेस जिसको अगर रेस्पिरेशन करना है, कोई भी सरफेस जिसको अगर रेस्पिरेशन करना है, स्किन की बात करो अगर या एल्वियोलाई की बात करो, फॉर रेस्पिरेशन अ मेम्ब्रेन शुड बी मॉइस्ट, याद रखना है तीन बातें, अ मेम्ब्रेन शुड बी मॉइस्ट, इट शुड बी थिन और इट शुड बी क्या होनी चाहिए कि इसके थ्रू एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके, मतलब हाईली वेस्कुलर होनी चाहिए। तो मैं आई एम राइटिंग हियर, मेम्ब्रेन शुड बी मॉइस्ट, हाईली वेस्कुलर, ठीक है, एंड इट शुड बी थिन। तब ऐसी मेम्ब्रेन होती है, इट इज एन आइडियल मेम्ब्रेन, आइडियल मेम्ब्रेन फॉर रेस्पिरेशन, फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है ओके।
और क्या है, आइस। आइस के पास आपको क्या मिलेंगे, आई लिड्स मिलेंगे, ठीक है। आइस हैव आई लिड्स। टिम्पैनम रिप्रेजेंट्स द ईयर। एज सच इनके पास कोई ऐसा नहीं कि ईयर है, जस्ट एक मेम्ब्रेन है, दैट इज टिम्पैनम। टिम्पैनम किसको रिप्रेजेंट कर रही है, आपकी ईयर को रिप्रेजेंट कर रही है। बाकी सब कुछ वही है, माउथ है, नोस्ट्रिल्स है, और नोज का ये जो ऊपर वाला हिस्सा उसको बोलते हैं स्नाउट। आई है डर्मल प्लेके, है ना, स्किन के ऊपर ही कुछ इस तरह से इनकी आपको दिखेंगे मॉइस्ट स्ट्रक्चर्स। मिड डोर्सल लाइन, ठीक है, और दे हैव द हाइंड लिंब। ये क्या है बेटा, ये है हमारे एम्फीबियंस। और देखो एलिमेंट्री कैनाल मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की बात हो रही है, यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स, दे ओपन इनटू कॉमन चैम्बर जिसको बोलते हैं क्लोइका। हमने डिस्कस किया था क्लोइका क्या होता है, क्लोइका इज अ कॉमन ओपनिंग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव रिप्रोडक्टिव एज वेल एज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो तीनों काम एक ही ओपनिंग से अगर हो तो उसको बोलते हैं क्लोइका। तो दे हैव दिस क्लोइका, ठीक है, विच ओपन्स टू द एक्सटीरियर। रेस्पिरेशन की अगर बात करें, अगर एम्फीबियंस के रेस्पिरेशन की बात करें, तो इनका जो लार्वा होता है, लार्वा से आप समझ गए कि इनके अंदर मिलेगा हमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जो इनका लार्वा है दैट इज एक्वेटिक लार्वा, और इसके लार्वा का नाम होता है बेटा टैडपोल लार्वा, दैट विल रिस्पायर बाय गिल्स, ठीक है। मतलब एक्वेटिक लाइफ के अंदर इनके पास क्या होंगे, गिल्स होंगे। बट जब हम बात करेंगे लंग्स की और स्किन की, तब दैट इज ऑन द टेरेस्ट्रियल। तो अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूं, तो रेस्पिरेशन को हम डिवाइड कर सकते हैं, रेस्पिरेशन कैन बी बाय स्किन, क्योंकि स्किन इनकी क्या है, मॉइस्ट है। बक्को फेरेंजियल कैविटी के थ्रू भी हो सकती है रेस्पिरेशन, बक्को फेरेंजियल कैविटी, और कैसे हो सकती है, इनके पास लंग्स भी हो सकते हैं, राइट। बट जब हम एक्वेटिक एम्फीबियंस की बात करेंगे, जब हम टैडपोल की बात करेंगे, तो उनके पास आपको क्या मिलेंगे, गिल्स मिलेंगे फॉर रेस्पिरेशन, राइट, ओके। हार्ट कैसा है बेटा इनका, थ्री चैम्बर्ड है, हार्ट इज थ्री चैम्बर्ड। दे हैव टू ऑरिकल्स एंड वन वेंट्रिकल, और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, इनके लिए हम टर्म यूज करते हैं, दीज आर पॉइकिलोथर्मल्स, ठीक है। चलो देखो, दिस इज क्लोइका, क्लोइका इज अ कॉमन ओपनिंग क्लोइकल अपर्चर के साथ, राइट। डाइजेस्टिव यूरिनरी ब्लैडर भी देखो यही है, इसकी भी ओपनिंग है ये। रेक्टम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम वाला पार्ट भी यही है, और ये इनकी क्या है बेटा, पूरी इंटेस्टाइन, ठीक है, दिस इज इंटेस्टाइन, एंड दिस इज स्टमक। दे हैव लिवर, इसोफेगस। हार्ट देखो, हार्ट कैसा होगा इनका, थ्री चैम्बर्ड हार्ट, देन गॉल ब्लैडर, देन लंग्स एटसेट्रा, फैट बॉडीज मिलेंगी, किडनीज होती हैं, किडनीज इनके पास दे आर प्रेजेंट, एंड यूरेटर ऑल्सो प्रेजेंट। तो बेसिक चीज हमें क्या बतानी है कि क्लोइका है इनके पास, क्लोइका इज द कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल दिस थ्री सिस्टम, राइट। चलो आगे आओ, ओके। और देखो बेटा, सेक्सेस कैसे होते हैं इनके, दे आर सेपरेट, मतलब मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग दे आर डिफरेंट, राइट। और फर्टिलाइजेशन इनका कैसा होगा, एक्सटर्नल, वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा ये फॉर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो जब वाटर के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, वाटर मीडियम इनको मिल गया, तो फर्टिलाइजेशन प्रेफर्ड इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एंड दे आर ओवीपेरस, मतलब क्या ले करेंगे, ये लेज एग्स, एंड डिवेलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब क्या मिलेगा इनके अंदर आपको, लार्वा। और फ्रॉग के लार्वा का नाम हमें बहुत छोटी क्लासेस से पता है, दैट इज टैडपोल लार्वा। एक बार देखो जरा लाइफ साइकिल, एडल्ट फ्रॉग ने एग ले किए, ठीक है, एम्ब्रियो बना,
टैडपोल वाटर प्लांट के साथ स्टार्टिंग में क्लिंग कर जाते हैं। उसके बाद इन टैडपोल लार्वा के पास क्या होगा, एक्सटर्नल गिल्स होंगे फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। टेल्स कीप ऑन ग्रोइंग, धीरे धीरे टेल ग्रो करती है, फिर हैंड लेग्स अपीयर हो जाती हैं, लिव्स फ्रॉम फूड स्टोर इन द टेल, टेल के अंदर जो फूड स्टोर है वहाँ से धीरे धीरे नरिशमेंट मिलता रहता है, धीरे धीरे फ्रंट लेग अपीयर होती है, टेल छोटी होती जाएगी और क्या बन जाएगा, यंग फ्रॉग जो बड़ा होकर कन्वर्ट हो जाएगा एडल्ट फ्रॉग में। यह एक छोटा सा लाइफ साइकिल जिसको कि हमने बहुत छोटी क्लासेस में भी हम पढ़ते आते हैं कि जो एडल्ट फ्रॉग है किस जो इसके अंदर रिप्रोडक्शन है दैट इज थ्रू लार्वा स्टेजेस मेटामॉर्फोसिस, है ना, दैट इज थ्रू लार्वा स्टेजेस। और एडल्ट कैसे बनेगा, लार्वा जब डेवलप हो जाएगा इनटू एडल्ट फ्रॉग, ठीक है। आगे देखो और देखते हैं हम इनके पास क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हमारी रह गई हैं। यस, देखो इनके पास है बेटा थ्री चैम्बर्ड हार्ट। थ्री चैम्बर्ड अगर हम हार्ट की बात करें तो इनके पास टू ऑरिकल वन वेंट्रिकल, ठीक है। और कुछ असेसरी चैम्बर्स भी होते हैं बेटा इनके पास जिसको बोल देते हैं साइनस विनोसस डॉर्सल साइड पे, ठीक है। दिस इज द डॉर्सल साइड पे दे हैव असेसरी चैम्बर्स जिनका नाम क्या है बेटा, साइनस विनोसस। तो ब्लड पहले एंटर करता है साइनस विनोसस में, फिर जाता है राइट एट्रियम में। तो इनके अंदर एक तरह से आर्टीरियो वीनस हार्ट है। और अगर मैं बात करूँ वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट की, वेंट्रल साइड की हम अगर बात करें तो दे हैव अनदर चैम्बर दैट इज, ठीक है, तो दैट इज ऑन द वेंट्रल साइड, राइट, वेट फॉर अ मिनट, दे हैव वेंट्रल साइड पे हार्ट मिलेगा इनको। वेंट्रल साइड पे ऐसी चैम्बर्स हैं। हार्ट कितने चैम्बर है बेटा इनका, थ्री चैम्बर, और ये इस ऑर्गन का नाम क्या है वेंट्रल साइड पे, दिस इज ट्रंकस आर्ट्रियोसस, ठीक है। तो ब्लड जो है पहले साइनस विनोसस में आएगा, फिर एट्रियम में जाएगा, ट्रंकस आर्ट्रियोसस से जाएगा, वेंट्रिकल से आएगा ट्रंकस आर्ट्रियोसस के अंदर। तो थ्री चैम्बर्ड इनके अंदर हार्ट मिलेगा आपको, दो ऑरिकल्स हैं और एक क्या मिलेगा, वेंट्रिकल मिलेगा। तो इनके अंदर जो डबल सर्कुलेशन दैट इज नॉट कम्प्लीट। तो एक तरह से अगर देखो इनके पास टू असेसरी चैम्बर्स हैं, कौन कौन से हमने अभी भी डिस्कस किए, दैट इज दिस इज साइनस विनोसस और दूसरा ट्रंकस आर्ट्रियोसस, राइट। दे हैव टू असेसरी चैम्बर्स दैट इज सपोर्टिंग द पंपिंग और दे हैव इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन का मतलब ये है अगर फोर चैम्बर्ड हार्ट हो जाएंगे तो इनके पास जो हम अलग कर पाएंगे हार्ट, जो ब्लड है टू टाइम्स पास करेगा हार्ट में से, बट यहाँ पे थ्री चैम्बर्ड है जिसकी वजह से डबल सर्कुलेशन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, राइट। तो हमने पाइसिस के अंदर क्या किया था, सिंगल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन आएगा बट दैट इज इनकम्प्लीट, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और हार्ट कैसा है, दैट इज आर्टेरियो वीनस हार्ट, बिकॉज इसके अंदर मिक्सिंग होती रहती है बेटा, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होने की वजह से हम इसको बोल रहे हैं दिस इज आर्टेरियो वीनस हार्ट, राइट। एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके पास किडनीज हैं। किडनीज कैसी हैं, दीज आर मेसोनेफ्रिक किडनीज। जब हम किडनीज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो कुछ प्रिमिटिव काइंड की किडनी होती है, मेसोनेफ्रिक वाली किडनी प्रोटोनेफ्रिक किडनी से थोड़ी ज़्यादा डेवलप हो जाती है, और जो मेटानेफ्रिक किडनी है दे आर द मोस्ट डेवलप, जिनको कि हम रेप्टाइल्स के अंदर पढ़ेंगे, राइट। तो इनके अंदर याद रखेंगे एम्फीबियंस के अंदर किडनी कैसी है, मेसोनेफ्रिक किडनी। और टेल्ड एम्फीबियन की बात करें और लार्वल स्टेजेस की, मतलब एक्सक्रीशन की बात चल रही है तो
हमें पता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक्वाटिक होते हैं दे प्रेफर टू सीक्रेट अमोनिया, बिकॉज अमोनिया को सीक्रेट करने के लिए एक्सक्रीट करने के लिए चाहिए बहुत सारा पानी, ठीक है, बहुत सारा वाटर चाहिए। तो टेल्ड एम्फीबियन की बात करें और लार्वल स्टेजेस की बात करें तो दे आर अमोनोटेलिक। अगर अमोनिया सीक्रेट करते हैं तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म। तो अमोनिया सीक्रेट करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं अमोनोटेलिक, ठीक है। और जब हम टेल लेस एम्फीबियंस की बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि दे आर यूरियोटेलिक, यूरिया सीक्रेट करते हैं, ठीक है। तो मतलब एक्वाटिक लाइफ के अंदर अमोनिया सीक्रेट करना हो पाता है, बट जब टेरेस्ट्रियल लाइफ पर आते हैं तो अमोनिया सीक्रेशन के लिए बहुत सारा पानी चाहिए जो लैंड पर नहीं मिलता, ठीक है। तो यूरिया कौन से, टेललेस वाले एम्फीबियन कैसे होंगे, यूरियोटेलिक। और टेल्ड एम्फीबियंस और लार्वा स्टेजेस के अंदर क्या दिखेगा हमें, अमोनोटेलिज्म, राइट। इतनी सी बात याद रहेगी, यस। आगे देखो, जब हम बात कर रहे हैं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की तो एक बात और याद रखना एम्फीबियंस के बारे में, सबसे बड़े जो RBCs मिलते हैं वो मिलते हैं एम्फीबियंस के अंदर, दैट इज दे पजेस लार्जेस्ट RBCs। क्रेनियल नर्व्स कितनी है नर्वस सिस्टम पे, They have 10 pairs of cranial nerves. External ear नहीं होता है, हमने अभी अभी देखा कि only tympanum is present, that is representing the ear. मतलब only middle ear और inner ear. Only stapes is present. अगर हम बात करेंगे आगे आगे बढ़ेंगे तो malleus, incus, stapes ये तीन bones मिलेंगी हमें, but यहाँ पे only stapes present है और tympanum एक membrane जो middle ear की बाहर जो ear drum होता है बस उतनी सी membrane है, वो represent कर रही है किसको, ear को, ठीक है। Okay, ये हमने बात की amphibians के बारे में और examples देखते हैं। देखो बफो, दैट इज टोड, कुछ टोड पॉइजनस भी होते हैं, ठीक है। राना फ्रॉग, हाइला ट्री फ्रॉग है, सैलामेंडर, सैलामेंडर बोलते हैं इसको, इक्थायोफिस दैट इज लिम्बलेस एम्फीबिया, राइट। तो दिस इज बफो, दिस इज राना, दिस इज हाइला, ट्री ट्री पे रहते हैं फ्रॉग, सैलामेंडर, देन इक्थायोफिस, दिस इज लिम्बलेस एम्फीबिया। अगर मैं बात करूं एम्फीबियंस की, कुछ हमने बोला टेल्ड होते हैं और कुछ कैसे होते हैं, टेल लेस, जिनके पास टेल नहीं होती है। तो कुछ और एग्जाम्पल्स आपके लिए, ये एग्जाम्पल्स किसकी है, टेल्ड एम्फीबियंस की, टेल्ड एम्फीबियंस की एग्जाम्पल्स हैं बेटा ये। नैक्चुरस, जिसको प्यार से मड पपी भी बोलते हैं, और इनके पास अडल्ट स्टेज में भी आपको गिल्स मिलेंगे। हमने क्या बोला, अडल्ट्स के अंदर स्किन है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी हो सकती है, या इनके पास लंग्स हो सकते हैं फॉर रेस्पिरेशन। गिल्स हमने देखा था कि सिर्फ एक्वाटिक फॉर्म्स के अंदर मिलते हैं जैसे कि टैडपोल लार्वा, बट जब हम मड पपी की बात करेंगे तो याद रखेंगे मेरी बात को, इनके पास गिल्स होते हैं अडल्ट स्टेज में। सैलामेंडर शो करता है नियोटेनी, नियोटेनी का मतलब ये होता है जब लार्वा लार्वा ही रहे, लार्वा एडल्ट में डेवलप ना हो, लार्वा लार्वा ही रहे एडल्ट में डेवलप ना हो, और इसके लार्वा के पास ही क्या आ जाते हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, और ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। तो ऐसी स्टेज को बोलते हैं नियोटेनी, क्या बोलते हैं, नियोटेनी। सिंपल सी बात याद रखो, जब लार्वा लार्वा ही रहे, लार्वा एडल्ट के अंदर कन्वर्ट ना हो, तो सैलामेंडर के अंदर याद रखेंगे इट शोज नियोटेनी, और जिसको पीडोजेनेसिस भी बोलते हैं। सायरन का नाम है मडिल, एम्फियोमा का नाम है कोंगोइल, प्रोटियस का नाम है केव सैलामेंडर, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं कुछ एग्जांपल टेललेस एम्फीबियंस की। राना हमने अभी भी पढ़ा है, जिसको हम फ्रॉग बोलते हैं, दैट इज टेललेस एम्फीबियन। रेकोफोरस फ्लाइंग फ्रॉग है, बफो कॉमन टोड है, इट इज टेरेस्ट्रियल, एलाइटस मिड वाइफ टोड है। एलाइटस, इसकी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं बेटा, छोटे छोटे से पिट्स होते हैं, दे हैव पिट्स, मेल मेल फ्रॉग के पास पिट्स ऑन द बॉडी, जिसके अंदर क्या है, एग्स आर लेड, एग्स आर लेड, ठीक है। और मेल केयर करता है, मेल टेक केयर ऑफ इट, मेल टेक केयर ऑफ एग्स, मेल संभालता है बेटा एग्स को, इसके बॉडी के ऊपर कुछ पिट्स होते हैं इसलिए इसको बोलते हैं मिड वाइफ टोड, ठीक है।
हाइला क्या है? आर्बोरियल, पेड़ों पे रहता है जो। पीपा सुरिनाम टॉड, सुरिनाम टॉड के अंदर फीमेल जो एग ले करती है, दीज आर फर्टिलाइज्ड एग, कहाँ ले करेगी? इन मार्सुपियन। मार्सुपियन क्या है? एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है और जिसमें से उन एग्स में से क्या आते हैं, लार्वे बाहर आएंगे, तो दैट इज सुरिनाम टॉड, राइट। तो आई होप इतनी बातें हमें याद रहेंगी अबाउट एम्फीबियंस के बारे में। चलो एक बार बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस करने के बाद हमें और समझ में आ जाता है कि हमने कितना समझा और हम कितना ग्रैस्प कर पाए कंसेप्ट को। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला, स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस, आगे आगे बढ़ते जाओ, परफेक्शन की चिंता मत करो। अगर परफेक्शन के लिए वरिड होने लग गए तो शायद अंडर प्रेशर आके अपने एफर्ट्स में कमी कर दोगे। तो हमें क्या करना है, डेली बड़े ऑनेस्ट एफर्ट्स डालने हैं अपने गोल की तरफ और अपने आप को धीरे धीरे परफेक्शन की तरफ ले ही जाएंगे, ठीक है। चलो, एम्फीबियन बिलोंग्स टू क्लास, बोलो बेटा, वर्टिब्रेटा के अंदर हमने डिवाइड किया था वर्टिब्रेटा के अंदर गनेथोस्ट्रोमेटा को। अगर फिन्स प्रेजेंट है तो हमने बोला पाइसिस में रख दो, अगर हमने बोला लिम्स प्रेजेंट है तो उनको किस में रख दो, टेट्रापोडा में। तो हमने देखा यहाँ पे क्या है, लिम्स है, तो लिम्स वाले चार पैरों वाले ऑर्गेनिजम्स को हमने रखा था टेट्रापोडा में, तो उसी में से एक क्लास थी कौन सी, एम्फीबिया, तो टेट्रापोडा। आंसर आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग फीचर बिलोंग्स टू विच क्लास, बॉडी इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक, नेक नहीं है, टेल में भी प्रेजेंट इन सम, है ना, ओके, स्किन कैसी है, मॉइस्ट है और वो एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन, राइट, एक्सटर्नल स्केलेटन एब्सेंट होता है और आईज के पास आई लिड्स होते हैं। ये सब बातें हमने अभी एम्फीबिया के अंदर डिस्कस की हैं, तो इसका मतलब बिना मैं देखे आंसर टिक कर सकती हूँ किसको, एम्फीबिया को, है ना। चलो आगे आ जाओ, रेस्पिरेशन इन अडल्ट फ्रॉग इज बाय, रेस्पिरेशन कैसे होता है बेटा, क्या रेस्पी, अडल्ट फ्रॉग की बात हो रही है, क्या ये बक्कोफेरेंजियल कैविटी से होता है, यस, क्या ये स्किन से होता है, यस, क्या ये लंग से होता है, यस, तो तीनों ही इसका मतलब रेस्पिरेशन इन अडल्ट फ्रॉग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, ओके। तो अगर मैं टैडपोल लार्वा की बात करूं, तो रेस्पिरेशन इन टैडपोल लार्वा इज बाय, क्या सारों को टिक करूंगी, नहीं, आई विल टिक ओनली गिल्स, वाटर के अंदर है बेटा लाइफ लार्वा की, ठीक है, ओके, नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रैक्ट ओपन्स इनटू अ कॉमन चैम्बर क्लोइका इन एम्फीबियन, क्लोइका को हमने क्या बोला, इट इज द कॉमन ओपनिंग फॉर एलिमेंट्री कैनाल, फॉर रिप्रोडक्टिव कैनाल, फॉर एक्सक्रीटरी कैनाल, राइट, तो एलिमेंट्री कैनाल यस, यूरिनरी ट्रैक्ट यस, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट यस, दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा, डी, ठीक है। चलो इसी के साथ ही हमने कर लिए हैं क्या, एम्फीबियंस ख़त्म और हम करने जा रहे हैं अब रेप्टाइल्स को स्टार्ट, ठीक है। तो रेप्टाइल्स कैसे जानवर है बेटा, ये रेप्टाइल, रेप्टाइल्स नाम से देखो, कैमिलियन, स्नेक्स, मतलब सिंपल सी बात, रेंगने वाले जानवर, दैट इज क्रीपिंग एनिमल्स, उनको हमने रखा कौन सी क्लास में, दैट इज रेप्टिलिया, क्लास रेप्टिलिया, कैसे ऑर्गेनिज्म है, क्लास का नेम जो है उसका मतलब है क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड, क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, दैट इज रेप्री, रेप्टिलिया का वर्ड देखो कहाँ से आया, रेप्री, रेप्री और रैप्टम का मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, पहली बार लैंड के ऊपर सक्सेसफुली रहने वाले जो एनिमल्स थे वो सबसे पहले कौन आए, रेप्टिलिया। प्लांट्स कौन से आए थे बेटा, कौन से प्लांट्स थे जो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल थे टेरेस्ट्रियल एटमोसफियर में, दैट वॉज टेरिडोफाइट्स, राइट, तो याद करो जब हमने टेरिडोफाइट्स को पढ़ा था हमने बोला दीज आर द बोटैनिकल स्नेक्स, दीज आर द रेप्टाइल्स ऑफ द एनिमल प्लांट किंगडम, जिसको हमने बोला टेरिडोफाइट्स, ठीक है। तो
अब हम समझ गए हैं हमने वो वाला नाम क्यों दिया था, क्योंकि हमने उनको कंपेयर किया था रेप्टिलिया के साथ. रेप्टिलिया वॉज अ क्लास विच वर द फर्स्ट सक्सेसफुल एनिमल्स टू इनहैबिट ऑन लैंड. लैंड पे सबसे पहले सक्सेसफुली रहने वाले एनिमल्स थे रेप्टिलिया, क्रॉल करने वाले, क्रीप करने वाले. ठीक है, ओके. टेरेस्ट्रियल थी तो इनकी बॉडी, अब देखो टेरेस्ट्रियल जैसी लाइफ आएगी ना तो बहुत सारे चेंजेस की जरूरत पड़ेगी. देखो क्या चाहिए, स्किन को प्रोटेक्शन चाहिए. अब स्किन मॉइस्ट नहीं रह सकती है जैसे कि वाटर के अंदर रहती थी. अब क्या करना पड़ेगा, स्किन को हार्ड होना पड़ेगा. स्किन को प्रोटेक्शन के लिए उसके ऊपर कुछ कॉर्निफाइड स्किन बन जाएगी, मतलब कुछ थिकनेस के साथ, कुछ प्रोटेक्शन के साथ आ जाएगी. हार्ड स्किन होनी पड़ेगी बिकॉज पहली बार वाटर से निकल के जब लैंड पे आएंगे तो स्किन के ऊपर कुछ ऐसा मान लो कि लेयर्स जमती जाएंगे, कॉर्निफाइड स्किन हो जाएगी. ठीक है, एपिडर्मल स्केल्स मिलेंगे या स्क्यूट्स मिलेंगे. ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्यूट्स कहाँ पे मिल रहे हैं, एलिगेटर के फुट के ऊपर, घड़ियाल. देन दे हैव कैमिलियन, ठीक है, मैरीन टर्टल, क्रोकोडाइल्स, चिलॉन मैरीन टर्टल, देन नाजा स्नेक हो गया. ठीक है, चलो कैमिलियन तो आपको ट्रीज पे मिलेगा बेटा. देन आ जाओ, क्या इनके पास एक्सटर्नल ईयर है, अभी नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी एक्सटर्नल ईयर लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल ईयर्स की ओपनिंग नहीं है. टिम्पैनम ही है जो अभी रिप्रेजेंट कर रही है ईयर को. और लिम्ब्स जब भी प्रेजेंट होंगे कैसे होंगे, टू पेयर्स पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स, पेंटाडेक्टाइलस लिम्ब्स. ठीक है, हार्ट कैसा होता है, यूजली थ्री चैम्बर्ड, बट याद रखोगे क्रोकोडाइल के अंदर कैसा हार्ट है, दैट इज फोर चैम्बर्ड हार्ट. ठीक है, तो अब देखो अब पता सीन क्या होने लग गया. अब इनके पास है तो वही, जब आप इस तरह से ऐसे हार्ट बनाते हो, ठीक है, दिस इज वन टू थ्री चैम्बर्ड, तो धीरे धीरे ना ये एक तरह से सेप्टम से आनी शुरू हो जाती है. तो जब तक क्रोकोडाइल तक आए, तो क्रोकोडाइल तक आते थे मेम्ब्रेन पूरी हो जाएगी, तब ये कैसा बन जाएगा, फोर चैम्बर्ड हार्ट बन जाएगा. राइट, तो टर्टल स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर देखो, टर्टल स्नेक्स और लिजार्ड्स के अंदर लुक एट दिस बाउंड्री है ना, ये देखो, ये जो वेंट्रिकल वाला पोर्शन है ये अभी हाफ आई है, बोली मेम्ब्रेन इतनी इतनी आई है बेटा, अभी ये बीच का जो है अभी इनके पास नहीं आया. किसकी बात कर रहे हैं हम, टर्टल स्नेक्स और लिजार्ड्स की. बट जब हम क्रोकोडाइल की बात कर रहे हैं तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, ये पूरी कंप्लीट हो जाती है, तो जिसकी वजह से ये क्या बन गया, फोर चैम्बर्ड हार्ट इन क्रोकोडाइल. ठीक है, दिस थिंग यू हैव टू रिमेंबर, क्रोकोडाइल के पास होता है फोर चैम्बर्ड हार्ट. ओके, आगे देखो कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दीज आर पॉइक्लोथर्मल्स. इसीलिए आपने अक्सर कभी जब आप जू में गए होंगे तो वहाँ आपने देखा होगा कि ये जो जितने भी रेप्टिलिया है, जो क्रोकोडाइल्स हैं, वो आपको सन बास्किंग करते हुए मिलते हैं. सन के अंदर बैठे हुए मिलेंगे और ऐसे लगेंगे जैसे बिल्कुल डेड ही हो गए, कुछ नहीं कर रहे होते, ये अपना टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो दीज आर पॉइक्लोथर्मल, दीज आर पॉइक्लोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं, ये वार्म ब्लडेड नहीं है. स्नेक्स और लिजार्ड्स अपनी स्किन को, अपने स्केल्स को उतारते रहते हैं, जिसको बोलते हैं केंचुली, है ना, अपनी वो केंचुली उतारते रहते हैं मोल्टिंग के प्रोसेस से, तो स्किन जो है उनकी हटती रहती है, नई आती रहती है. सेक्सिस कैसे है बेटा, इनके अंदर सेपरेट है. फर्टिलाइजेशन कैसी है, इंटरनल है. अब ध्यान से सुनना, अब जबकि जो लाइफ है वो आ चुकी है लैंड के ऊपर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन तो हो नहीं सकता, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास होगा इंटरनल फर्टिलाइजेशन. अगर सक्सेसफुली लैंड के ऊपर रहना है तो फर्टिलाइजेशन बाय इंटरनल करना ही पड़ेगा. और क्या क्या इनके पास बेटा, अगर मैं एवोल्यूशनरी इनके एडवांसमेंट की बात करूं, अगर हम इनकी एवोल्यूशनरी एडवांसमेंट की बात करें, तो दीज आर द फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. तो पहले ये वाली चीजें समझो, दीज आर द एमनियोट्स, दीज आर एमनियोट्स, मतलब इनके पास है एमनियोटिक कैविटी filled with amniotic fluid. ठीक है, ओके. एमनियोट्स हमने देखी थी जब हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, हम देखेंगे, अभी देखी नहीं थी हमने, अभी हम देखेंगे कि
क्या होता है बेटा, जब एक ह्यूमन बेबी डेवलप होता है ना, या कोई भी कह लो वर्टिब्रेट्स का जो एम्ब्रियो होता है, ह्यूमन बेबी के अराउंड कुछ लेयर्स होती हैं, ठीक है। दीज आर नोन एज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, जैसे कि एलेंटॉइड्स, जैसे कि योक सैक, जैसे कि एमनियोन। तो कुछ इस तरह की ही इनके पास, क्रोकोडाइल के पास क्या है, दीज आर एमनियोन्स। क्यों हमने नाम बोला एमनियोट्स, बिकॉज इनके पास होती है एमनियोटिक कैविटी, जिसके अंदर फिल्ड होता है एमनियोटिक फ्लूड। वो फ्लूड एज अ काम करता है कुशन का, बेबी को अपनी, जब वो अपनी एम्ब्रियोनल लाइफ में होता है, तो उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, एक तरह से शोक अब्जॉर्बर के लिए, वो फ्लूड उस एम्ब्रियो के अराउंड चारों तरफ इकट्ठा होता है। ये एक कंडीशन थी लैंड के ऊपर सक्सेसफुल सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। तो एमनियोट्स आने की वजह से दे आर एबल टू सक्सेसफुली लैंड ऑन, सक्सेसफुली लिव ऑन लैंड, दैट इज टेरेस्ट्रियल एनिमल्स बने। दूसरी इनके पास क्या है बेटा, मेल के पास है कॉपुलेटरी ऑर्गन। हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और जो लाइफ है अब वाटर में नहीं है, अब लैंड पे है। तो मेल के पास जो कॉपुलेटरी ऑर्गन है, दैट विल हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, कॉइटस के प्रोसेस में, कॉपुलेशन के प्रोसेस में हेल्प करेगा। और रेस्पिरेशन अब इनके थ्रू लंग्स आ गई। लैंड पे रहने के लिए देयर इज नो, यू कैन से कि ऐसी कोई डिफ्यूजन जैसी तो हो नहीं सकती रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के लिए अब होना चाहिए बहुत ही एफिशिएंट ऑर्गन। क्यों, कहाँ रहना है, लैंड पर रहना है। बार बार बोल रही बेटा, लैंड पर रहने के लिए पल्मोनरी रेस्पिरेशन, मतलब लंग्स आने की वजह से देवर एबल टू सक्सेसफुली लिव ऑन लैंड। और फोर्थ कंडीशन क्या थी, यूरिकोटैलिक। अब इनको वाटर को कंजर्व करना है, वाटर का वेस्ट नहीं कर सकते ये लैंड वाले ऑर्गेनिज्म। अब आपको सारे के सारे मोस्टली कैसे मिलेंगे, यूरिकोटैलिक, बिकॉज टू कंजर्व वाटर दे हैव टू सीक्रेट यूरिक एसिड, ठीक है। ना तो अमोनिया सीक्रेट करेंगे, ना यूरिया सीक्रेट करेंगे, ये क्या बन गए, यूरिकोटैलिक। तो ये कुछ बातें थी, ये कुछ बातें हैं जिन्होंने इनको फेवर किया फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए टेरेस्ट्रियल लाइफ में कौन कौन सी बातों ने योगदान दिया, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेटरी ऑर्गन आ गया, पल्मोनरी रेस्पिरेशन आ गई, और इसके साथ साथ यूरिकोटैलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन डेवलप हो गया, ठीक है। और क्या है बेटा इनके पास, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो सारे के सारे कार्निवोरस होते हैं, दूसरों को मार के जानवरों को खाते हैं, एक्सेप्ट टॉर्टोइस, ठीक है। टीथ कैसे मिलेंगे, टीथ दैट कैन बी पॉलीफायडोंट, एक्रोडोंट, एवरीथिंग। बट एक चीज जो कॉमनली हमने यहाँ पे लिखी है, बाकी सब बातें आपको मिल जाएंगी, ये है कुछ स्पेशल पॉइंट्स। थीकोडोंट्स मिलेंगे आपको क्रोकोडाइल। थीकोडोंट का मतलब होता है सॉकेट्स के अंदर टीथ जो होते हैं फिक्स होते हैं, टीथ आर फिक्स्ड इनटू द सॉकेट्स। तो ये किसमें मिलेंगे, यहाँ पे क्रोकोडाइल में। हमारे टीथ कैसे हैं, क्या वो सुपरफिशियली प्लेस्ड है या सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं? तो हमारे वाले टीथ जो हैं वो सॉकेट्स के अंदर फिक्स हैं, तो ऐसे टीथ को बोलते हैं थीकोडोंट्स। स्कल देखो बेटा इनकी, मोनोकंडाइलिक स्कल। अगर मैं अपनी बैक पे टच करके देखूं तो मुझे क्रेनियम के नीचे कुछ इस तरह से बल्जिंग थी नजर आएंगी। मान लो ये क्रेनियम है और यहाँ पे कुछ ऐसी बल्जिंग से नजर आती है, और इनके अंदर हमारा फर्स्ट वर्टिब्रा फिक्स होता है, देन उसके आगे वर्टिब्रा कॉलम आते जाते हैं। तो हमारे अंदर क्या मिलते हैं, दो कंडाइल्स हमारे अंदर मिलेंगे बेटा, दो कंडाइल्स। इसीलिए हमारी स्कल है डाइकंडाइलिक स्कल। कुछ ऑक्सीपिटल, ये क्या होती है बेटा, ऑक्सीपिटल बोन होती है। ऑक्सीपिटल बोन के नीचे ये कुछ प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको बोलते हैं कंडाइल्स। टच करके देखो, जो आपका नेक वाला रीजन है, जब आप इसको बैक करोगे, इसको ऐसे बैक करोगे, तो इस, ये आपकी ऑक्सीपिटल बोन, जब आप यहाँ पे टच करोगे तो आपको लगेगा कि कुछ कंडाइल्स से हैं। और ह्यूमन बोन जो है क्रेनियम, दैट इज डाइकंडाइलिक स्कल। बट हम जब क्रोकोडाइल्स की या इसकी बात करेंगे, हम रेप्टिलिया की, तो इनके अंदर आपको स्कल मिलेगी मोनोकंडाइलिक। एटलस और एक्सिस दोनों आपको प्रेजेंट मिलेंगे, बट जब हम एम्फीबियन की बात करेंगे, या कर रहे थे, वहाँ हम बताना भूल गए कि ओनली एटलस इज प्रेजेंट, एक्सिस इज नॉट प्रेजेंट, एक्सिस इज नॉट प्रेजेंट इन एम्फीबिया,
एम्फीबियंस के अंदर, ठीक है, एक्सिस जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। ह्यूमंस के अंदर कैसी है, डाइकंडाइलिक स्कल, इसको लिख लो इन ह्यूमंस। बट क्रोकोडाइल्स के अंदर या रेप्टिलिया के अंदर आपको कैसी स्कल मिलेगी, दैट इज मोनोकंडाइलिक स्कल, ठीक है। किडनी कैसी है, अब है बेटा ये डिवेलप्ड वाली किडनी। एम्ब्रियोनल लाइफ में जब हमने बोला कि डिवेलपमेंट होती है तो मीजोनेफ्रिक के बाद अब जो सबसे एडवांस किडनी आ रही है दैट इज मेटानेफ्रिक किडनी, ठीक है। और इनके पास आपको जैकबसन ऑर्गन भी मिलेंगे, दैट इज अ वोमेरो नेजल ऑर्गन। ये क्या होते हैं, इनके पास होते हैं कीमोरिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स, स्नेक्स जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म जो रेप्टाइल्स हैं उनके पास आपको मिलते हैं कीमो रिसेप्टर्स। केमिकल्स को स्मेल कर सकते हैं, ये क्या कर सकते हैं, केमिकल्स को स्मेल करते हैं, जिसके लिए इनके पास है जैकबसन ऑर्गन, दैट इज नोन एज वोमेरो नेजल ऑर्गन। और इन्हीं केमिकल्स की स्मेल को जो हमने बहुत बार ऐसा सुना होगा कि जो नाग है, मतलब स्नेक है, जो अपनी नागिन को ढूंढते हुए आते हैं, मतलब अपनी जो फीमेल स्नेक को, तो दैट इज़ थ्रू इन केमिकल्स को स्मेल करते हुए आते हैं, ठीक है। तो कीमोरिसेप्टर होते हैं, तो जब आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा ऑर्गन है दैट इज़ कीमोरिसेप्टर, यू विल से जैकबसन ऑर्गन इन केस ऑफ स्नेक्स। नर्वस सिस्टम की बात कर लेते हैं, तो इनके पास है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। याद करना एम्फीबियंस के पास कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे, 10, यहाँ कितने आ गए 12, हमारे पास कितने हैं 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। और मिडल ईयर है इनके पास विद ओनली वन स्टेपीज, कोई भी लार्वे नहीं है, दे डू नॉट हैव एनी लार्वल स्टेजेस, तो इसका मतलब डायरेक्ट डेवलपमेंट है भाई, लैंड पे आ गई लाइफ, लार्वा कहाँ रहेगा, पानी में रहेगा, ठीक है। तो लैंड पे आने की वजह से, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होने की वजह से, ये क्या अब इनका डेवलपमेंट कैसा हो गया, डायरेक्ट, ठीक है। चलो तो अब हम देखते हैं, यस, कैसे हैं ये, दे आर ओवीपैरस, मतलब पता है अब हमें क्या है ये, एग्स, दीज आर एग्स, तो एग लेइंग ऑर्गेनिज्म ओवीपैरस, राइट। और डेवलपमेंट कैसी है, डायरेक्ट, मतलब नो लार्वे, दे डू नॉट शो एनी लार्वल स्टेजेस, राइट। चलो आगे आ जाओ, एग्जाम्पल्स देखो, एग्जाम्पल्स किलॉन टर्टल का नाम है ना, टेस्ट्यूडो टॉर्टोइस, कैमिलियन ट्री लिजार्ड, कैलोटस गार्डन लिजार्ड है, क्रोकोडाइलस क्रोकोडाइल है, एलिगेटर घड़ियाल है ना, हेमीडेक्टाइलस जो हमें घरों में चिपकली दिखती है, वॉल लिजार्ड, पॉइजनस स्नेक्स भी इनके अंदर आएंगे, नाजा जैसे कोबरा, बेंगारस क्रैट, वाइपरा वाइपर, तो ये सारे आपके सामने हैं, दिस इज किलोन, दिस इज टेस्ट्यूडो, कैमिलियन और ट्री लिजार्ड, हेमीडेक्टाइलस, वॉल लिजार्ड, एलिगेटर, क्रोकोडाइल, कितना बड़ा मुंह है इसका, कैलोटिस गार्डन लिजार्ड, राइट, नाजा कोबरा, मतलब बड़े डरावने से जानवर है ये, बड़े खतरनाक, मुझे बहुत डर लगता है, आपका मुझे पता नहीं, बेंगारस क्रैट पॉइजनस, राइट, वाइपरा वाइपर। और इसी के साथ ही हमने डिस्कस कर लिया जितना हमारे लिए सफिशिएंट था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, और उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हमने डिस्कस कर लिया, और हमने ख़त्म कर दी हैं कितनी फाइलम, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। तो इट्स अ नाउ क्वेश्चन टाइम, ठीक है, नाउ इट्स क्वेश्चन टाइम। द फर्स्ट क्लास ऑफ वर्टिब्रेट्स विच आर फुली अडाप्टेड फॉर टेरेस्ट्रियल लाइफ, टेरेस्ट्रियल लाइफ के लिए बेटा फुली अडाप्टेड थे ये, तो पहली बार आने वाले ऑर्गेनिज्म रेप्टिलिया, क्या क्या मिला बेटा इनके पास कि ये लैंड के ऊपर रह सके, फुली अडाप्टेड टू टेरेस्ट्रियल लाइफ, दे वर एमनियोट्स, एमनियोटिक फ्लूड इनके अंदर है टू प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो, दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन, कॉपुलेटरी ऑर्गन्स मिलेंगे मेल के अंदर, पल्मोनरी रेस्पिरेशन है इनके पास, और कैसे है ये है यूरिकोटेलिक, यूरिक सिक्रीट करेंगे ताकि वाटर को कंजर्व कर सके। और क्या है इनके पास, रेप्टिलिया का मतलब क्या होता है, रेप्टिलिया का मतलब बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है अब एक क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, स्नेक को याद रख लेना बेटा, स्नेक को याद रख लोगे, क्रोकोडाइल को याद रख लोगे, तो आपके दिमाग में अपने आप रेप्टिलिया फिक्स हो जाएंगे, ठीक है, ओके।
देन है विच द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट रेप्टिलिया, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. देखो बॉडी इज कवर्ड बाय ड्राई एंड कॉर्निफाइड स्किन, यस. एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स, यस. एवरीथिंग इज प्रेजेंट. बॉडी इज डेवलप इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. हार्ट इज यूजली 3-chambered. रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू लंग्स एंड स्किन. क्या स्किन ऐसी है? क्या इनकी स्किन मॉइस्ट है? क्या इनकी स्किन थिन है? नहीं है. दिस इज हार्ड, ड्राई, कॉर्निफाइड स्किन. तो स्किन के थ्रू तो रेस्पिरेशन कर ही नहीं सकते बेटा ये. तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा? डी, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें ढूंढना था. ठीक है, आगे आ जाओ. 4-chambered हार्ट इज प्रेजेंट इन ऑल, दैट इज क्रोकोडाइल में तो होता है 4-chambered. एलिगेटर क्रोकोडाइल की एक वैरायटी है. कॉर्वस किसको बोलते हैं? क्रो को बोलते हैं. ये भी क्या है? बर्ड है, तो इसके अंदर भी मिलेगा 4-chambered. कैलोटिस, दिस इज गार्डन लिजार्ड, दिस इज गार्डन लिजार्ड. तो इनके अंदर कैसा मिलता है बेटा? 3-chambered, 3-chambered हार्ट. ठीक है, दे हैव 3-chambered हार्ट. एक बार दिखा दूं आपको गार्डन लिजार्ड की शक्ल. यस, गार्डन लिजार्ड, यस. कैलोटिस है ना, दिस इज कैलोटिस, गार्डन लिजार्ड. तो इनके अंदर हार्ट कैसा मिलेगा? 3-chambered. बट जब हम क्रोकोडाइल की बात करेंगे, क्रोकोडाइल एलिगेटर, तो इनके अंदर हमें मिलेगा 4-chambered हार्ट. ओके, नेक्स्ट आ जाओ. यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट मैचिंग. किलोन टर्टल, यस. टेस्ट्यूडो टोर्टोइस. कैमिलियन ट्री लिजार्ड होते हैं, ओके. कैलोटिस वॉल लिजार्ड. ये रॉन्ग हो गया बेटा. वॉल लिजार्ड का नाम हमने क्या देखा अभी? हेमीडेक्टाइलस, हेमीडेक्टाइलस. तो कैलोटिस के सामने क्या आना चाहिए था? गार्डन लिजार्ड. ठीक है, दिस इज कैलोटिस. इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, राइट. तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड विद एम्फीबिया एज वेल एज रेप्टिलिया. सो इट्स अ टाइम टू से थैंक यू, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट यू हैव टू लर्न विद अ स्माइल.